हेलो एवरीवन, दिस इज दीप्ति जायसवाल एंड वेलकम टू रेनबो पब्लिक स्कूल। सो नाउ टुडे वी डिस्कस क्लास 11th फिजिक्स एंड चैप्टर 5th लॉज ऑफ मोशन। ओके, सो टुडे लेक्चर वी कंप्लीट द टॉपिक्स फोर्स, इनर्शिया, काइंड ऑफ इनर्शिया एंड सम एग्जांपल्स ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड सम अदर एग्जांपल्स ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। ओके, so now the very first topic is a force. let's start. So what is force? Force is that external cause which either changes or tends to change the state of rest or motion or its size or shape. क्या है force? Force एक ऐसा external cause है जो कि change करता है क्या, और change the state of rest or motion, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करता है या फिर टेंस टू चेंज मीन्स चेंज करने की कोशिश करता है, या फिर स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करने की कोशिश करता है, अदर या फिर साइज को चेंज करने की कोशिश करता है, या फिर शेप को चेंज करने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बॉल मूविंग कर रही है किसी फ्लोर में, देन अगर हम उसमें एक एग्जैक्ट फोर्स अप्लाई करेंगे एंड उसकी मूविंग की अपोजिट डायरेक्शन में, देन हम क्या देखेंगे कि उसकी जो डायरेक्शन होगी वो मोशन की कंडीशन से, मोशन की स्टेट से रेस्ट की स्टेट में आ जाएगी। कब आई? जब हमने उसमें फोर्स अप्लाई किया। ओके, तो मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट जब स्टेट ऑफ मोशन में है, देन हम उसमें एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसकी मोशन को चेंज करते हैं, डैट इज अ फोर्स। ओके, एंड इसी तरह से अगर कोई बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट की कंडीशन में है और उसे, जैसे एक बॉल है, जैसे ही हमने उसे पुश किया, मींस क्या अप्लाई किया, एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, तो पुश करने से वो क्या होगा, वो स्टेट ऑफ मोशन में आ जाएगी। तो यहाँ पे भी क्या है, ये एक एक्सटर्नल फोर्स है, तो जिससे भी एक एक्सटर्नल, जिसकी वजह से एक एक्सटर्नल पुश, एक एक्सटर्नल फोर्स जिसकी वजह से कोई भी बॉडी मोशन करने लगती है, अपने स्टेट में चेंज कर लेती है। अब इसके बाद है साइज और शेप। अपने साइज एंड शेप में कैसे चेंज करती है? टू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। कोई एक रबर बॉल है, अगर हम उसको स्क्वीच करेंगे, देन उसमें क्या होगा, स्क्वीच कर रहे हैं मीन्स एक उसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और जैसे हम उसे स्क्वीच करेंगे देन वो क्या होगी, कोलैप्स हो जाएगी। ओके, तो इस तरह से उसका क्या होगा, शेप चेंज होगा। और इसी तरह से हम किसी भी बॉडी के साइज में चेंज कर सकते हैं। अगर हम किसी रबर बॉल को फोर्स अप्लाई करके उसको स्ट्रेटन करेंगे देन वो क्या हो जाएगी, इलॉन्गेट हो जाएगी। ओके, तो इस तरह से हम उसके साइज एंड शेप में चेंज करते हैं। ओके, इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो अभी फोर्स का क्या क्या इफेक्ट है? सो फर्स्ट टाइप इफेक्ट, टू चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, तो जैसे ही हम किसी एक नॉन रिजिड बॉडी में, जो कि किसी स्पेस, फ्री स्पेस में मूविंग नहीं कर सकती है, उसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल एक रबर की बॉल, रबरिंग बॉल, जिस पे हम अगर फोर्स अप्लाई करते हैं, देन क्या होगा उसका, अगर हम उसे स्क्वीच करेंगे देन वो कोलैप्स हो जाएगी। ओके, एंड इसी तरह से अगर हम उसको स्ट्रेटन करेंगे देन वो इलॉन्गेट हो जाएगी। तो इस तरह से एक बॉडी में हम फोर्स अप्लाई करके उसका साइज एंड शेप चेंज कर सकते हैं। सेकेंड इज अ चेंज द स्टेट ऑफ मोशन और चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट। हम अगर किसी स्टेट ऑफ मोशन के ऑब्जेक्ट में एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे देन उसकी कंडीशन चेंज होकर स्टेट ऑफ रेस्ट हो जाएगी, और किसी स्टेट ऑफ रेस्ट के ऑब्जेक्ट में हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे देन उसकी कंडीशन स्टेट चेंज होकर स्टेट ऑफ मोशन हो जाएगी। ओके, एंड थर्ड इज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन एंड स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को हमने लिया और उसमें हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, मूविंग ऑब्जेक्ट लिया और उसमें हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, देन क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट और भी ज़्यादा स्पीड से मूविंग करने लगेगा। ओके, तो इस तरह से हम उसकी स्पीड चेंज कर सकते हैं। और अगर हमने उसे अपोजिट डायरेक्शन में पुश कर दिया किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को, या अनदर किसी डायरेक्शन में पुश कर दिया, देन उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं।
ओके तो ये है इफेक्ट ऑफ फोर्स जो हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करके चेंज कर सकते हैं. ओके नाउ द सेकेंड टॉपिक इज इनर्शिया. सो व्हाट इज इनर्शिया? ईच ऑब्जेक्ट हैज अ प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट ऑलवेज रिमेन इन द स्टेट ऑफ मोशन इन द सेम डायरेक्शन विद द सेम वेलोसिटी अनलेस ऑन एक्सटर्नल फोर्सेज अप्लाइड ऑन इट. क्या कहता है इनर्शिया? जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सभी में एक प्रॉपर्टी होती है कि जब तक इट ऑलवेज रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ मोशन, वो जब तक हमेशा मोशन की स्टेट में ही रहते हैं जब तक कि उनमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए. ओके तो क्या है ये? अगर किसी भी कोई ऑब्जेक्ट अगर मूविंग कर रहा है, जब तक हम उसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो ऑब्जेक्ट मूविंग करता रहेगा सेम वेलोसिटी से एंड सेम डायरेक्शन में मूविंग करता रहेगा. अगर जब हम जैसे ही हम उसमें कोई फोर्स अप्लाई करेंगे उसके बाद ही वो अपनी मोशन को स्टॉप करेगा या स्टेट को चेंज करेगा. ओके तो ये क्या है? द प्रॉपर्टी टू अपोज द चेंज इन स्टेट बाय अ बॉडी इज कॉल्ड अ इनर्शिया. तो किसी भी एक ऐसी प्रॉपर्टी है इनर्शिया जो बॉडी की स्टेट में चेंज करने को अपोज करती है, मीन्स चेंज करने उसमें चेंज होने से रोकती है. दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड अ इनर्शिया. ओके डिस्कस काइंड्स ऑफ इनर्शिया. देयर आर टू काइंड्स ऑफ इनर्शिया. फर्स्ट इज अ इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड अदर इज अ इनर्शिया ऑफ मोशन. ओके सो नाउ वी डिस्कस इनर्शिया ऑफ रेस्ट. So if an object is state of rest, it will always remains stationary unless the external force is applied on it. Okay, तो जब भी कोई object अगर rest की condition में है जब तक उसमें कोई external force apply ना किया जाए वो हमेशा stationary state में ही बना रहेगा. Okay, तो जब तक अगर हम जैसे ही उसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे उसके बाद ही उसमें स्टेट में चेंज होगी. अगर हम उसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं, जब तक अप्लाई नहीं किया जाएगा तब तक वो स्टेशनरी स्टेट में ही बना रहेगा अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में है. ओके फॉर एग्जाम्पल इनर्शिया ऑफ रेस्ट ऑन सडन स्टार्ट ऑफ अ ट्रेन और अ बस द पैसेंजर ऑन इट फॉल्स बैकवर्ड. ये डेली लाइफ एग्जांपल में हम लोग ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे ही कोई ट्रेन और बस सडनली स्टार्ट होती है देन जो उसमें पैसेंजर बैठा हुआ है देन वो बैकवर्ड डायरेक्शन में फॉल हो जाता है, मीन्स एक बैकवर्ड डायरेक्शन में जर्क फील करता है. ओके इसका रीजन क्या है? तो जब भी कोई पर्सन किसी बस और ट्रेन में देन इनिशियल कंडीशन में बस और ट्रेन किस स्टेट में? स्टेट ऑफ रेस्ट में है. ओके देन स्टेट ऑफ रेस्ट में देन वो पर्सन भी क्या है? स्टेट ऑफ रेस्ट में. बट जैसे ही वो सडनली स्टार्ट होती है देन बस और ट्रेन किस कंडीशन में आ गई? स्टेट ऑफ मोशन में. देन क्या होता है? जैसे ही स्टेट ऑफ मोशन में आती देन उस पर्सन का फीट एंड अदर कॉन्टैक्टिंग पार्ट जितना भी उस बस और ट्रेन के कॉन्टैक्ट में वो पार्ट भी क्या हो जाता है? स्टेट ऑफ मोशन में आ जाता है. बट अपर पार्ट ऑफ द बॉडी क्या होती है? स्टेट एट द रेस्ट एट दैट मोमेंट. उस टाइमिंग पे भी स्टेट ऑफ रेस्ट में ही बनी रहती. जैसे ये एक पर्सन है तो इसका ये कॉन्टैक्ट में इसके फीट कॉन्टैक्ट में देन इसके फीट बस और ट्रेन ने मूविंग स्टार्ट की, मूविंग में आए, स्टेट ऑफ मोशन में है, देन इसके लोअर पार्ट क्या होगा? स्टेट ऑफ मोशन में आ जाएगा. बट इसका अपर पार्ट क्या होगा? स्टेट ऑफ रेस्ट में ही बना रहेगा. देन ये वाला पार्ट इसका मूविंग करने लगेगा देन इसके अपर पार्ट को क्या होगा? एक बैकवर्ड डायरेक्शन में जर्क फील होगा. ओके तो ये है इनर्शिया ऑफ रेस्ट. नाउ द सेकेंड इज ऑन शेकिंग अ ट्री राइप फ्रूट्स गेट डिटैच्ड एंड फॉल डाउन. जैसे ही किसी एक ट्री को हम शेक्ड करते हैं देन उसकी जो ब्रांचेस में राइप फ्रूट्स हैं वो उससे डिटैच्ड हो जाते हैं और गेट्स डाउन हो जाते हैं. तो होता क्या है एक्चुअल में? इनिशियल कंडीशन में क्या है? ट्रीज क्या है? स्टेट ऑफ रेस्ट में है. देन उसमें फ्रूट्स क्या हैं? वो भी स्टेट ऑफ रेस्ट में. जैसे हम उस ट्रीज को शेक करते हैं देन उसकी ब्रांचेस क्या हो जाती हैं? स्टेट ऑफ मोशन में आ जाती है. क्यों? क्योंकि ट्रीज से उसकी ब्रांचेस कनेक्ट हैं, वो उसमें मोशन में आ जाती हैं.
बट जो उसमें राइप फ्रूट्स हैं वो उस टाइमिंग में भी स्टेट ऑफ रेस्ट में ही बने रहते हैं, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और एक पार्ट उसका मोशन में आ जाता है और एक आधा पार्ट उसका स्टेट ऑफ रेस्ट में ही बना रहता है। इस वजह से जो फ्रूट्स होते हैं वो डिटैच्ड हो जाते हैं एंड फॉल डाउन, एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, ग्रेविटी की वजह से वो फॉल डाउन हो जाते हैं। ओके, सो नाउ द थर्ड इज ऑन बीटिंग अ ब्लैंकेट विथ अ स्टिक द डस्ट पार्टिकल्स आइसोलेटेड फ्रॉम इट। जब भी किसी ब्लैंकेट को किसी स्टिक से बीट किया जाता है देन जो उसके डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उस ब्लैंकेट से आइसोलेटेड हो जाते हैं, मीन्स अलग हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये भी होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। कैसे? इनिशियल कंडीशन में ब्लैंकेट क्या है, स्टेट ऑफ रेस्ट में है। ओके, जैसे ही किसी स्टिक से उसे बीट किया जाता है देन जहाँ पे वो स्टिक स्ट्राइक करती है वो पार्ट उस स्टिक के कॉन्टैक्ट में आ जाता है एंड कॉन्टैक्ट में आने की वजह से क्या हो रहा है, स्टेट ऑफ मोशन में आ जाता है। अब ये स्टिक है, ये स्टिक क्या है, इसमें स्ट्राइक करेगी देन ये स्टेट ऑफ मोशन में, इसके कॉन्टैक्ट में जितना पार्ट आएगा वो भी स्टेट ऑफ मोशन में आ जाता है। देन अदर जितना भी पार्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है वहाँ पर जो भी पार्टिकल्स हैं वो उससे डिटैच्ड हो जाते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं। ओके, तो ये था इनर्शिया ऑफ रेस्ट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इनर्शिया ऑफ मोशन। सो इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है? इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग देन इट विल रिमेन मूविंग इन सेम वेलोसिटी एंड सेम डायरेक्शन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द इनर्शिया ऑफ मोशन। मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग स्टेट में मीन्स मूविंग कर रहा है तो वो तब तक मूविंग करता रहेगा उसी डायरेक्शन में उसी वेलोसिटी में जब तक कि उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। ओके, तो इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है इनर्शिया ऑफ मोशन। तो ये इनर्शिया क्या, एक तरह से उसकी अगर हम उसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें देन वो उसकी स्टेट चेंज की कंडीशन को अपोज करता है। ओके, सो नाउ वी डिस्कस एग्जाम्पल्स ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। ऑन स्टॉपिंग अ मूविंग ट्रेन सडनली द हेड ऑफ पैसेंजर ऑन इट लीन्स फॉरवर्ड। ये भी हमने एवरीडे लाइफ में ऑब्जर्व किया है कि जैसे ही किसी बस और ट्रेन सडनली कोई स्टॉप होती है देन जो उसमें बैठा हुआ पैसेंजर है देन उसका हेड क्या हो जाता है, लीन्स फॉरवर्ड, मीन्स वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक जर्क फील करता है। ओके, इसका रीजन क्या है? तो कोई भी इनिशियल कंडीशन में क्या है, यहाँ पे ट्रेन क्या कर रही है, मूविंग कर रही है, मीन्स स्टेट ऑफ मोशन में है। देन जो उसमें बैठा हुआ पैसेंजर है उसकी स्टेट क्या है, स्टेट ऑफ मोशन है। जैसे ही बस सडनली ट्रेन सडनली स्टॉप होती है देन जो उसके व्हील्स हैं वो किस पोजीशन में आ गया, स्टेट ऑफ रेस्ट में। देन उसके अंदर जो बैठा हुआ पर्सन है उसका फीट एंड अदर कॉन्टैक्टिंग पार्ट भी किस में आ जाएगा, स्टेट ऑफ रेस्ट में। बट उसका अपर पार्ट मीन्स हेड उस टाइमिंग में भी क्या करता रहेगा, मोशन करता रहेगा, स्टेट ऑफ मोशन में रहेगा ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। और जब वो मोशन करता रहेगा देन उसे क्या होगा, आगे की तरफ एक जर्क फील होगा। ओके, जैसे ये पर्सन है जैसे ही सडनली ट्रेन स्टॉप हो जाएगी देन इसका लोअर पार्ट क्या हो जाएगा, स्टेट ऑफ रेस्ट में आ जाएगा तुरंत। बट इसका अपर पार्ट क्या होगा, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से उस टाइमिंग पे भी मूविंग करता रहेगा, मीन्स स्टेट ऑफ मोशन की कंडीशन में रहेगा और इसे क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक जर्क फील होगा। ओके, तो ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। इसमें बैकवर्ड डायरेक्शन में था, सडनली स्टार्ट होती है, यहाँ सडनली स्टॉप होती है। तो एक्चुअल रीजन क्या है इसका? एंड नेक्स्ट इज ऑन जंपिंग फ्रॉम अ मूविंग ट्रेन द पर्सन इज एडवाइज टू रन इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ट्रेन फॉर सम डिस्टेंस। व्हेन अ पर्सन जंप फ्रॉम मूविंग ट्रेन द वेलोसिटी ऑफ दैट पर्सन इज एज वेल एज द ट्रेन। ओके, और जैसे ही उसकी वेलोसिटी उन दोनों ट्रेन की वेलोसिटी के इक्वल होती है और जैसे ही वो ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में आता है देन उसका लोअर पार्ट उसके फीट उस टाइम पे क्या हो जाते हैं, स्टेट ऑफ रेस्ट की कंडीशन में आ जाते हैं। बट उस पर्सन का जो अपर पार्ट होता है वो उसी ट्रेन की वेलोसिटी से आगे की तरफ मूविंग करता रहता है, मीन्स स्टेट ऑफ मोशन में ही रहता है, जिसकी वजह से वो गिर जाता है।
तो इसको अवॉइड करने के लिए उसे क्या सजेशन एडवाइस दी जाती है, टू रन इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इसमें क्या होगा, उसको सजेस्ट किया जाता है कि जैसे ही वो ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में आए देन सडनली स्टॉप होने की जगह उसको क्या करना चाहिए, ट्रेन की मूविंग डायरेक्शन में ही थोड़ा दूर तक उसे रन करना चाहिए। इससे क्या होगा, जैसे ही वो पर्शियन कॉन्टैक्ट में आएगा ग्राउंड के एंड उसके साथ साथ वो रन करने लगेगा देन उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, वो स्टेट ऑफ मोशन में ही रहेगा एंड सडनली उसकी वेलोसिटी ट्रेन की वेलोसिटी से कम होगी। एंड नाउ द थर्ड एग्जांपल इज एन एथलीट ऑफन रन्स बिफोर टेकिंग अ लॉन्ग जंप। एथलीट्स को आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी वो लॉन्ग जंप करते हैं उसके लिए क्या करते हैं, थोड़ा दूर पहले से वो रनिंग स्टार्ट कर देते हैं, थोड़ा दूर से दौड़ के आते हैं और तब फिर वो लॉन्ग जंप करते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, जैसे ही वो रनिंग करते हैं थोड़ा दूर से पहले से देन क्या हो जाती है, उनकी बॉडी क्या हो जाती है, स्टेट ऑफ मोशन में हो जाती है। स्टेट ऑफ मोशन में आ जाने से उन्हें लॉन्ग जंप करने में तो और इजीली हो जाता है। ओके, सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, फोर्स, इनर्शिया, काइंड्स ऑफ इनर्शिया। ओके, सो थैंक यू।